सो चलिए गाइस, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कुछ एक केमिकल रिएक्शन और बता देता हूँ जो आपको आगे काम आएंगी, ठीक है। सो सबसे पहले रिएक्शन, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, एक हेलो एल्केन ले लेते हैं, आरएक्स। मान लीजिए आरएक्स की रिएक्शन आप किसे कराते हो, इस एरो पे लिखा है सिल्वर ऑक्साइड Ag2O मोइस्ट, मोइस्ट का मतलब मॉइस्चर है, सबको क्लियर हो गया, तो क्या बनेगा। तो यहां पर है ना, नॉर्मली आप आइडिया लगा नहीं पाओगे, स्पेशली तो आपको बताता हूं ये SN रिएक्शन करवा रहा हूं, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब इस X को हटाना है और उसकी जगह कोई लेगा। अब सवाल है कि कौन लेगा, तो यहां पर प्रॉब्लम यहां पर सोचने में हो जाती है। तो काफी इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन है, तो आपको क्लियर करता हूं, Ag2O यानी कि सिल्वर के ऑक्साइड का जब भी आप मॉइस्चर यानी कि वाटर से रिएक्शन कराते हो तो यहां पर ये क्या बनाएगा, AgOH बनाता है, मतलब सिल्वर का हाइड्रोक्साइड तैयार होगा। अब देखिए यहां पर ये मेटल है, ये यहां पर OH साथ में OH के साथ यानी कि नॉन मेटलिक यहां पर आयन के साथ कंपाउंड बना रहा है, तो ये क्या होगा प्लस और ये क्या है माइनस, सबको क्लियर हो गया। सो फाइनली ये माइनस वाला पार्ट आपको मिल गया, तो न्यूक्लियोफाइल आपको मिल गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब OH वाला माइनस है। तो आप जरा चेक करिए यहां पर एक्स वाला माइनस और ये प्लस है, तो कौन किसके साथ जाएगा, ये माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा, तो यहां पर क्या बनाएगा ROH, अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा। कितना आसान था, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्योंकि ये माइनस वाले ने दूसरे माइनस वाले को हटाया, ये यहां पर एक्स यहां से अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया जो कि किसके साथ चला गया, एजी के साथ, तो प्लस साथ में क्या मिलेगा AgX यहां पर मिल जाएगा। और हमको पता है कि जो सिल्वर होते हैं उसके जो भी हेलोजन्स होते हैं ज्यादातर उसका पीपीटी नीचे बैठ जाता है, क्लियर होता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था और ये पूछा जाता है बहुत बार, इसलिए ध्यान रखिएगा, आरएक्स का रिएक्शन Ag2O मोइस के साथ कराओगे तो अल्कोहल बनेगा आपको, क्लियर होता है सब लोगों को। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन एक और ले लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस, तो आप स्पेलिंग लिख लीजिए हॉफमैन अमोनोलाइसिस, ठीक है, अमोनोलाइसिस, हॉफमैन अमोनोलाइसिस। हालांकि ये रिएक्शन मैंने आपको एक वे से तो बताई थी, लेकिन फिर से दोबारा बता रहा हूं, अमोनोलाइसिस का मतलब यहां पर जरा चेक कीजिए, सबसे पहले आपने क्या लिया है हेलो एल्केन, उसका रिएक्शन मान लीजिए कि आपने किससे करवा दिया, मैं उसको इस तरह से लिख देता हूं NH2 और यहां पर मैं H, ये अमोनिया के साथ कराया, अमोनोलाइसिस करा रहे तो अमोनिया से रिएक्शन कराओगे, तो हमें पता है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होएगा, येस और नो। अब इस पर हमें पता है कि नेगेटिव होता है और इस पर पॉजिटिव होता है, ये हम पहले से जानते हैं। कौन किसके साथ जाएगा, R के साथ, R कौन, देखिए R किसको खींचेगा, NH2 को, तो फाइनली यहां पर क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन तैयार हो गया RNH2, और प्लस साथ में देखिए HX बाहर निकल गया, तो -HX यहां लिख देता हूं, क्लियर होता है, आसान है, कुछ भी नहीं है। अब ये कहता है कि अगर आपने ये देखिए 1 डिग्री अमाइन तैयार हो गया, नाउ दिस इज 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। सो अगर आप वापस से अगर आपने इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दी, जरा चेक कीजिएगा, सॉरी RX के साथ करवा दी, तो क्या होगा, अब देखिए यहां पर RNH2 तैयार हो चुका है, फिर से अगर आपने इसकी रिएक्शन RX के साथ करवा दी तो क्या करेगा, ये देखिए NH2, इसका मतलब इसके पास है हाइड्रोजन अभी भी देने को, तो इस H2 में H को यहां दिखा देता हूं, तो क्या होगा, यहां से H और X फिर से बाहर निकलेगा, क्लियर होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव, इस केस में ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, तो कौन किसके साथ जाएगा, जरा सोचो, HX बाहर निकला और R नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, तो क्या बनेगा RNH और R। अब देखिए इसको 2 डिग्री अमाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन, बहुत आसान है, हाइड्रोजन हटा है जो X के साथ चला गया, HX एक यूनिट और बाहर निकल गई, क्लियर होता है, और ये जो R पॉजिटिव था वो इस नेगेटिव के साथ चला गया, देखिए, तो फाइनली यहां पर क्या बन गया 2 डिग्री अमाइन तैयार हो गई। अब फिर से अगर आपने इसकी रिएक्शन RX के साथ करवा दी तो फिर से वही होने वाला है, देखिए यहां पर ये X फिर से इसको खींचेगा, इस H को दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन फिर से रिप्लेस हो जाएगा R से, तो 3 डिग्री अमाइन तैयार हो जाएगी, मतलब नाइट्रोजन के साथ अब क्या है टोटल 3 R जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग 3 डिग्री अमाइन भी कहते हैं, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अभी भी इसके पास एक लोन पेयर है दिखाई दे रहा है, तो अब ये आगे भी प्रोसीड हो सकता है, ये आपको आगे काम आएगा इसलिए करवा रहा हूं। सो फाइनली अगर फिर से अगर आपने इसकी रिएक्शन RX के साथ करवाई तो सीन कुछ ऐसा है कि इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ये तो फटाफट इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो ये जो पॉजिटिव वाला किससे अपना लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इस नाइट्रोजन से, तो फाइनली यहां पर ये क्या बना लेगा R, देखिए यहां पर N R कितने जुड़ गए अब इसके ऊपर, 3 तो पहले से ही थे तो टोटल कितने हो गए अब 4, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो इस तरह से यहां पर आगे की तरफ नाइट्रोजन अब इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, सिर्फ ये 4 ही को जोड़ सकता है अपने साथ, क्लियर होता है। सो फाइनली यहां तक प्रोसीड कर सकता है और ये चीज आपको आगे काम आएगी जब आप नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ोगे, इसको हम लोग हॉफमैन अमोनोलाइसिस कहते हैं, क्लियर हो गया, जो कि आपको आगे काम आएगा ऑर्गेनिक के अंदर, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप अमोनिया के अंदर
तीनों हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप लगा सकते हो, इवन एक चौथा अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हो, क्लियर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक क्या होता है, लोन पेयर होता है, क्लियर हो गया। तो चार चार यहां पर अल्काइल ग्रुप जुड़ सकते हैं और फाइनली आप यहां तक पहुंच सकते हो, क्लियर हो गया सब लोगों को। अब चलिए, अब बस थोड़ी बहुत रिएक्शन और ध्यान से उसको देखिए, याद करिए कि मैंने आपको कहा था जब RX का रिएक्शन, आप सपोज करिए कि आपने अगर यहां पर दो केस ले लेते हैं, KCN से करवा दिया तो यहां पर RCN बनता है, याद है आप लोगों को, मैं उसका जवाब देने वाला हूं। और अगर यही रिएक्शन मैंने AgCN से करवाया होता तो यहां पर RNC बनता। ये मैंने आपको पहली रिएक्शन में पहले वाले लेक्चर जो मिले आपको उसमें करवाया होगा, ठीक है। अब मैंने यहां पर आपको बताया था, ध्यान से उसको देखिए, उसको मैं यहां पर ब्रीफ कर रहा हूं फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साइनाइड कहते हैं, उस टाइम मैंने आपको बताया भी था, और इसको हम लोग आइसोसाइनाइड कहते हैं। अब सवाल है कि ये कैसे हो गया, मैंने वहां पर थोड़ा बहुत ब्रीफ दिया था, यहां पर मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखिए यहां पर ये कैसे हो गया कि केसीएन से करा रहे तो साइनाइड बन रहा है, आरसीएन बन रहा है, यानी कि कार्बन यहां पर बॉन्ड बना रहा है उस अल्काइल ग्रुप के साथ, जबकि AgCN से रिएक्शन करा तो नाइट्रोजन वहां पर बॉन्ड बना रहा है अल्काइल ग्रुप के साथ, यही तो हो रहा है। यहां पर तो कार्बन करवा रहा है जबकि यहां पर नाइट्रोजन करवा रहा है, सबको समझ में आ गया ये कैसे हो गया। तो सीन सारा अवेलेबिलिटी का है कि यहां पर कौन आगे, ऐसा कौन सा न्यूक्लियोफाइल है जो आके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो सीन कुछ ऐसा है, अगर हम लोग यहां पर केसीएन की बात करें तो KCN की बॉन्डिंग को देखते हैं, हमें पता है कि ये एक्टिव मेटल है तो यहां पर ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो इस पे होता है पॉजिटिव और इस पे होता है नेगेटिव, ठीक है। तो जब आप यहां पर ध्यान से इसको देखेंगे तो ये आयनिक बॉन्ड है, यहां पर ये शेयरिंग नहीं हो रही है, आयनिक बॉन्ड में CN माइनस इजीली अवेलेबल है, क्लियर हो गया। अब CN माइनस की स्ट्रक्चर को देखिए, CN माइनस का स्ट्रक्चर जो होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हमें पता है नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, इसने बना लिए, उसके पास एक लोन पेयर भी होगा। अब इस कार्बन ने देखिए टोटल चार बॉन्ड बनाता है, जिसमें से तीन बॉन्ड यहां पर, तीन इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा उसके पास क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार होते हैं कार्बन के पास। अब ये माइनस का साइन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, क्लियर होता है, और यहां पर माइनस का साइन। अब आप देखिए यहां पर CN की माइनस की स्ट्रक्चर होती है ये, और ये इजिली अवेलेबल है क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड है, क्लियर हो गया। अब सीन कुछ ऐसा है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन से इतना लगाव नहीं है, नाइट्रोजन के मुकाबले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन से लगाव कार्बन को कम है, तो बताइए कौन डोनेट करेगा, कार्बन। तो क्योंकि कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है तो इस केस में, केसीएन के केस में कार्बन डोनेट करता है, क्लियर हो गया। अब आप देखिए डोनेट करेगा किसको, क्योंकि इस पे तो पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जो कार्बन है वो इस R वाले अल्काइल ग्रुप को डोनेट करता है और क्या बना लेता है, RCN। लेकिन AgCN के केस में ऐसा नहीं है, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगता है, सबको समझ में आ गया, क्योंकि यहां पर साइज छोटी होने लगती है, सिल्वर के एटम की साइज पोटेशियम से छोटी होती है, जितना साइज छोटा होता है फजान रूल के अकॉर्डिंग, देखिए कैटायन का साइज जितना छोटा होता है फजान रूल के अकॉर्डिंग, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि AgCN में अब जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवेलेंट है, उसके अंदर ये CN माइनस फ्रीली अवेलेबल नहीं है, Ag उसके बाद कार्बन, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद नाइट्रोजन। अब आप खुद से देखिए, कार्बन ने चार बॉन्ड बना रखे हैं कोवेलेंट, सिर्फ नाइट्रोजन ही है जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, तो इस केस में ये जो नाइट्रोजन है वो डोनेट करेगा। जरा चेक कीजिए यहां पर आपके पास क्या है, RX, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लियर होता है। ये तो भाग जाएगा भाई साहब, लिविंग ग्रुप है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागा तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ये इसको डोनेट करेगा, क्लियर होता है, ये इसको डोनेट कर रहा है और यहां से कार्बन अपने बॉन्ड तोड़ लेगा। सीन कुछ ऐसा है, क्योंकि ये सिल्वर चला जाएगा एक्स के साथ, ये देखिए बहुत आसान है, ये पहले भागा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, इसने इसको डोनेट किया, ये अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ये सिल्वर चला जाएगा एक्स के साथ, तो यहां पर AgX बाहर निकल गया, क्लियर होता है। अब देखिए बॉन्ड किस किस के साथ बने, फाइनली प्रोडक्ट बना ये R नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव। कितना आसान है, जरा चेक कीजिए, खुद से ही देखिए ना, इसने डोनेट किए तो इस पर आ गया पॉजिटिव, इसने यहां से विड्रॉ कर लिए तो कार्बन पे आ गया नेगेटिव, सिल्वर चला गया एक्स के साथ क्योंकि एक्स के पास इलेक्ट्रॉन है, तो AgX बना लिया जिसकी पीपीटी नीचे बैठ जाती है, तो ये बन गया RNC जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड, सबको क्लियर हो गया, आइसोसाइनाइड कहते हैं। अब देखिए कितना आसान है, इज इट हार्ड, नॉट एट ऑल, अगर आप दिमाग लगाओ तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और लास्ट चीज बताऊंगा उसके बाद ओवर करेंगे इस वीडियो को, ध्यान से देख लो, फिर से समझाऊं क्या, एक बार और फिर से समझा देता हूं, देखिए RX Ag2O मॉइस्ट अल्कोहल बनाएगा, बात खत्म,
हॉफमैन अमोनोलाइसिस, अमोनिया से रिएक्शन कराओ, मतलब अमोनिया में सारे चेंजेस आ जाएंगे। यहां पर नाइट्रोजन में जो तीन हाइड्रोजन है वो पूरे के पूरे अल्काइल में कन्वर्ट कर सकते हो। इवन ये अपना लोन पे डोनेट करके चार अल्काइल ग्रुप को भी जोड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जब आप KCN से रिएक्शन कराते हो तो साइनाइड बनता है, जबकि AgCN में आइसोसाइनाइड बनता है। उसकी मैंने पूरी प्रोसेस बता दी आपको किस तरह से होती है। KCN के केस में तो ये आयनिक कंपाउंड है, तो CN- में यहां पर कार्बन फ्री है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, जबकि AgCN में कार्बन फ्री नहीं है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, उस केस में नाइट्रोजन फ्री है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। और कैसे दे रहा है साइकिल देखो, इसने खींचे, उसने इसको डोनेट किए, इसने खींचे, ये चला गया उसके साथ। जिस चीज को ये प्रोसेस पूरी समझ में आ गई है, बार बार जो मैं बोल रहा हूं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, सर मेरे को KCN और AgCN का केस एकदम क्लियर है, ठीक है, जरूर लिखेगा कमेंट सेक्शन में। बस लास्ट एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो लास्ट एक छोटा सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला रिएक्शन और देख लेते हैं, ध्यान से उसको देखिए। वो रिएक्शन क्या था कि जैसे आप RX का रिएक्शन देखिए, हेलोएल्केन है, उसका रिएक्शन अगर आपने यहां पर किससे करवाया, KNO2 से, याद करिए, KNO2 से करवाओगे तो यहां पर क्या बनेगा, एक्चुअल में यहां पर बनता है RONO, ये बनता था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एल्काइल नाइट्राइट कहते हैं, एल्काइल नाइट्राइट। लेकिन अगर आपने इसका रिएक्शन किससे करवाया, AgNO2 से करवाया, तो उस केस में आपको यहां पर नाइट्रोएल्केन बनेगा RNO2। अब ये कैसे हो गया उसका जवाब दे रहा हूं, दोनों में फर्क है। यहां पर R किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ, जबकि यहां पर R अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। सेम केस है जैसे CN में था। अब ये कैसे हुआ, उसके लिए आपको NO2 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखिए यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर KNO2 की, सबसे पहले अपन KNO2 की बात कर लेते हैं। अब KNO2 में सीन ऐसा है कि ये जो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, इसमें पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव, इसका मतलब यहां से NO2- फ्रीली अवेलेबल है। अब NO2- का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। NO2- का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, देखिए नाइट्रोजन, उसके बाद आपके पास यहां पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, और एक ऑक्सीजन यहां पर सिंगल बॉन्ड में, और इस पे होता है माइनस। ये स्ट्रक्चर होती है NO2- की एक्चुअल में। देखिए नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, तो उसके पास एक लोन पेयर होगा, येस और नो, सबको समझ में आ गया। तो यहां पर तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास अवेलेबल है। ध्यान रखिए एक और बात बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते रहते हैं, ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बना ले तो वो लोन पेयर डोनेट करने की संभावना उसकी पूरी तरह से खत्म है। ऐसा कभी नहीं होगा कहीं भी, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन कभी लोन पेयर डोनेट नहीं करता। तो इस केस में आप खुद से देखिए ना, कौन लोन पे डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। एक्चुअल में ध्यान से उसको देखिए, इस ऑक्सीजन के पास अभी कितने लोन पेयर है पता है आपको, 6 1 2 3 4 5 6। अब ये कैसे हो गए, खुद से काउंट करो। वैसे तो इस ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक काम पे लगा दिया था, बचे 5, तो 1 2 3 4 5। अब ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक एक्स्ट्रा है, तो यहां पर 6 हो गए। तो ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव साइन है, आप खुद से सोचिए, अगर इसकी रिएक्शन अगर आप RX से कराओगे, तो यहां पर खुद से सोचिए कौन डोनेट करेगा, जिस पे नेगेटिव साइन है वो आसानी से डोनेट करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर ये प्लस और यहां माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस केस में। तो जब यहां पर KNO2 का केस आता है, तो NO2- इजीली अवेलेबल है, और उस केस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये आसानी से डोनेट कर देगा और यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। खुद से सोचिए ना कि यहां पर आयन हमेशा अनस्टेबल होते हैं, जिस पे नेगेटिव साइन है वो पहले डोनेट करेगा, क्लियर हो गया। लोन पेयर तो पड़े रहेंगे, वो अनस्टेबिलिटी कम क्रिएट करते हैं, ये नेगेटिव साइन अनस्टेबिलिटी ज्यादा क्रिएट करता है, ये ध्यान रखिएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आयन कभी फ्रीली मिलते हैं क्या, नहीं, तो ये फटाफट से डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा और ये निकल जाएगा यहां से। तो इसके क्या बन गया आपके पास, RONO बन गया पहला वाला, मैंने आपसे जो कहा था। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में तो वो सिल्वर के साथ, ध्यान से उसको देखो, ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है भाई साहब, क्योंकि यहां पर कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहां पर AgNO2 की स्ट्रक्चर बता रहा हूं, AgNO2 में स्ट्रक्चर में क्या होता है, AgONO, ये इस तरह से है, ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन ही है, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर डबल बॉन्ड है, ये कभी भी लोन पे डोनेट नहीं करता है। अब इस केस में आप खुद से ही देख लीजिए कि RX किसके पास क्या चीज अवेलेबल है, वही वाला सेम केस आ गया, ध्यान से उसको देखिए। सीन कुछ ऐसा है कि अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, उस केस में नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ध्यान से उसको देखिए, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये सिल्वर किसके साथ चला जाएगा, एक्स के साथ। तो यहां पर AgX बाहर निकल गया, बाकी बॉन्डिंग देखो कैसे हो रही है, आर ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये देखिए नाइट्रोजन ने डोनेट किया है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और ये एक ऑक्सीजन और है जिसपे नेगेटिव है। तो यहां पर RNO2
तैयार हो जाएगा। इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होती है। क्लियर हो गया सब लोगों को? जो कि रेजोनेटिंग है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ये यहाँ डोनेट कर सकता है और इस पर खत्म हो सकता है, ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है और वो स्टेबल है, ऐसा नहीं अनस्टेबल है। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा KNO2 के केस में RONO, जिसको हम लोग एल्काइल नाइट्राइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइल नाइट्राइट। मैंने कहा था मैं आपको जवाब दे दूंगा, तो फाइनली मैंने दे दिया। और इसको बोलते हैं यहां पर नाइट्रो एल्केन, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो एल्केन। तो दोनों में फर्क है। क्लियर हो गया? एल्काइल नाइट्राइट और नाइट्रो एल्केन, और ये काफी बार पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए आपसे गौर से कहना चाहूंगा। यहां पर देखिए RX का रिएक्शन KNO2 से कराओगे तो यहां पर RONO बनेगा, जबकि AgNO2 से कराओगे तो फाइनली RNO2 बनेगा। उसके रीजन मैंने आपको बता दी, यहां पे स्पेसिफाई कर रखे हैं, ध्यान से उसको देख लो, R के साथ बॉन्ड कौन बना रहा है। क्लियर हो गया? सो इसको फटाफट से लिख लो, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। सो गाइज, सिंपली एक ही बात कहना चाहूंगा आपसे कि वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू। आपको सिर्फ इतना सा करना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, कमेंट सेक्शन में जरूर हमारी हिम्मत को बढ़ाओ ताकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहें। कई बच्चे सोचते हैं ऐसा कमेंट करने से क्या मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ, कमेंट करने से हमारे मोराल बूस्ट होता है, हमें मालूम पड़ता है कि इतने बच्चे यहाँ पर हैं जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। अगर हमें मालूम पड़ेगा तो हम और भी अच्छी वीडियोस बनाएंगे, हमें फीडबैक मिलेगा तब हम और अच्छी वीडियोस बनाएंगे, अदरवाइज हमारा भी मोराल डाउन होता जाएगा। तो कमेंट करने से, लाइक करने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, समझ में आ गया? और हमारा मोराल बूस्ट होता है और ज्यादा मेहनत करेंगे। एक दिन में दो वीडियो, वो भी कंसिस्टेंटली हम लोग अगर डाल रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है आप लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, और आपके लाइक्स, ठीक है, ये हमारे लिए मैटर करता है। इसलिए आपसे कहता हूं कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इन वीडियोज को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सबको समझ में आ गया? सो डू दीज थिंग्स गाइज, हमें कोचिंग फ्री इंडिया चाहिए तो हमें मिलकर काम करना होगा। सो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन डी ब्लॉक याद रखो अन अकेडमी पे। मैं शुरू कर चुका हूँ, 8 लेक्चर बना चुका हूँ, जो नहीं देखे हैं फटाफट से जाओ देखो, होमवर्क में हमेशा ऑलमोस्ट वही दे रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको कंप्लीट करो। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।